बड़े शहर की हालत बदलने का बड़ा प्लान तैयार। बड़े सर जोड़ कर बैठ गए। वजीर आजम की जेर सदारत कराची ट्रांसमिशन प्लान पर इजलास, आर्मी चीफ की शिरकत। ब्रीफिंग में बताया गया कि प्लान के तहत जायद से मनसूबों की निशानदेही की जा चुकी। मनसूबे 1.117 ट्रिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल होंगे। वजीर आजम ने कहा कि कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल जरूरी है। तजावजात हटाने से पहले मुस्तकिन मकीनों के लिए मुतबादल इंतजाम किए जाएं। मुल्क के हालात खराब हो चुके, हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बिजली गैस बिल लाखों में आ रहे हैं। इमरान खान तो इस काबिल भी नहीं समझते कि लोग उसको इल्जाम दें। मजीद कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा की कैद की वजह नवाज शरीफ से वफादारी है। मरियम नवाज का जेल में चूहों का बचा हुआ खाना दिए जाने का इल्ज़ाम। वज़ीर दाखला शहजाद अकबर कहते हैं मरियम नवाज ने एक दिन भी जेल का खाना नहीं खाया। उनका खाना हमेशा घर से आता था, या तो चूहे घर का था। मरियम नवाज खानदान की रवायत के मुताबिक झूठ बोल रही हैं। नवाज शरीफ की वालदा की नमाज जनाजा आज लंदन में अदा की जाएगी। कोरोना के बाइस सिर्फ 30 अफराद शिरकत कर सकेंगे। बेगम शमीम अख्तर की मैयत आज शाम पाकिस्तान के लिए रवाना की जाएगी। शरीफ मेडिकल सिटी में नमाज जनाजा अदा होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज पर पैरोल पर रिहाई आज होगी। दोनों को आज दोपहर 2 बजे रिहा किया जाएगा।